3, 2, 1. Hello friends, special Raghunath Sanjun, Legi Technical Car Guru Jishin. हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका अपना संजू नेगी फिर से। आज हम जिस गाड़ी के बारे में बात करने जा रहे हैं वो मारुति की एस क्रॉस है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसकी आप चाबी देखेंगे, दैट इज़ दी फॉब। ये की है फॉब, ठीक है जी। अब ऐसी चाबी एस क्रॉस में आती है और ये जो एस क्रॉस खड़ी है वो एस क्रॉस पेट्रोल है। फ्रंट से जैसे ही हम स्टार्ट करेंगे आप फ्रंट में चेक कीजिए। सबसे पहले तो इसकी बोल्ड ग्रिल मस्कुलर डिज़ाइन सामने आता है, एस का बैच आ जाता है। ये जो ग्रिल है सारी क्रोम ग्रिल है, ठीक है जी। बम्पर हैवी बम्पर आया था, प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स आ जाते हैं जो ऑरेंज कलर के प्रोजेक्टर है। उसके अलावा फॉग लैम्प आया था, फॉग लैम्प गार्निश आ जाएगी क्रोम कलर की। वैसे अब दूर से आप गाड़ी देखेंगे ना, चेक कीजिए, काफ़ी मस्कुलर है, फ्रंट लुक बहुत अच्छा है इस गाड़ी का। उसके बाद जैसे ही हम साइड में जाएंगे, साइड में चेक कीजिए, साइड में दिखने में गाड़ी कितनी अच्छी लग रही है। 180 की ग्राउंड क्लियरेंस है। अलॉय व्हील्स सबसे पहले हम चेक करें, अगर अलॉय व्हील्स, आप अलॉय व्हील्स चेक कीजिए, ठीक है जी, कितने सॉलिड और ड्यूल कलर में, ब्लैक एंड सिल्वर कलर में। जो इसका टायर साइज़ है वो 215, चेक कीजिए, 16R16 आ जाएगा, ठीक है। टायर साइज़ काफ़ी बड़ा है, जेके का एसयूवी टायर आता है इसमें। साइड स्किड्स लगी हैं, ठीक है जी, ये चेक कीजिए, साइड स्किड्स आ गई। साइड चेक कर लिए। उसके बाद इंडिकेटर्स ऑन मिरर आ जाएंगे, ठीक है जी, इंडिकेटर्स ऑन मिरर भी आ गए। उसके अलावा आप चेक करेंगे, रिक्वेस्ट स्विच आ गया। आपने रिक्वेस्ट स्विच चेक कर लिया, ठीक है। रिक्वेस्ट स्विच के अलावा अगर चेक करेंगे, बटन्स आ गए, एडजस्ट करने का, फोल्ड करने का, मिरर क्लोज करने का, लॉक अनलॉक के चारों पावर विंडो के बटन, क्रोम ग्रिप आ गई, बटन होल्डर्स आ गए, फैब्रिक आ गया। अगर टॉप वेरिएंट लेंगे, टॉप वेरिएंट में ये लेदर आ जाएगा, सिल्वर फिनिशिंग आ गई, ठीक है जी। डोर काफ़ी हैवी है इस गाड़ी का, अगर आप ऐसे चेक करेंगे ना, चेक कीजिए, गाड़ी का डोर काफ़ी हैवी है। जैसे ही गाड़ी के अंदर एंटर करेंगे, सबसे पहले तो एसी वेंट देखिए, सिल्वर कलर की फिनिशिंग दी है एसी वेंट्स में। मीटर देखिए, डिजिटल मीटर आ गया, ठीक है जी, TFT स्क्रीन के साथ। इंटीरियर चेक कीजिए, जो सारा स्टीरियो पैनल है क्रोम दिया उस स्टीरियो पैनल में, सॉफ्ट टच प्लास्टिक दिया, ठीक है जी। आगे कुछ भी सामान रखने के लिए थोड़ी ग्रिपिंग दी है, ग्लो बॉक्स काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, यूटिलिटी स्पेस छोटे छोटे यहाँ पे हैं, हैंड साइड्स हैं, आर्मरेस्ट स्लाइडेबल है, उसमें भी एक यूटिलिटी स्पेस है, और चार्जिंग सॉकेट की जगह है, आप देखिए। उसके अलावा USB सॉकेट आ गया। उसके अलावा साइड में चेक कीजिए, सेम क्रोम फिनिश इस इवेंट्स में यहाँ ऊपर दी हुई है। मिरर चेक कर लीजिए, ऑटो मिरर है, बट ये मैनुअली ऑटो है, ऑटोमेटिक वाला नहीं है। सन ग्लास होल्डर आ गए, सेम लाइट्स आ गई, कैबिन लाइट्स आ गई, माइक्स आ गए, चेक कीजिए, वैनिटी मिरर आ गया, सेम वैनिटी मिरर को पैसेंजर साइड भी आ जाएगा इसमें, ठीक है जी। वैसे ज़्यादातर में टिकट होल्डर होते हैं, बट इसमें वैनिटी मिरर आ जाएगा। स्टेयरिंग चेक करेंगे, सबसे पहले स्टेयरिंग पे अगर स्टार्ट चेक करनी है ना, ये बटन प्रेस कीजिए, यहाँ पे देखिए नॉर्मल इग्निशन मीटर लगाइए, ये मीटर ऐसा दिखेगा आपको दिखने में, ये दिखने में इतना सुंदर काफ़ी है। ब्लू कलर का एक्सेंट है, वाइट कलर की लाइटिंग है, देखने में देखिए, ठीक है जी, सुनने में दिखने में काफ़ी सुंदर लगता, ठीक है जी, चेक कीजिए, दिखने में काफ़ी सुंदर है, ठीक है जी। ये सारे इग्निशन आगे जो जो जैसे जैसे आते हैं, दैट इज़ पुश बटन स्टार्ट। उसके अलावा ए स्टार्ट एंड ए स्टॉप का बटन, फॉग लैम्प का बटन, लाइट लेवलर, क्रूज कंट्रोल्स के बटन,
सेट रीसेट का बटन, वॉल्यूम कंट्रोल, उसके अलावा चेक कीजिए ट्रैक कंट्रोल, ऑडियो म्यूट का, मोड चेंज करने का, अगर आप एंड्रॉयड ऑटो यूज़ कर रहे हैं तो गूगल का बटन, अगर आप एप्पल कार प्ले यूज़ कर रहे हैं तो सीरी का बटन, फ़ोन पिक करने का, फ़ोन कट करने का। स्टेयरिंग व्हील दिखने में काफ़ी सुंदर है, इंटरनली मैं बैठूँ सीटिंग काफ़ी अच्छी है, ड्राइवर साइड सीट इसमें हाइट एडजस्टेबल भी है, इसमें ऑप्शन है, आपको चेक करा देता हूँ। स्टेयरिंग है, अप एंड डाउन है, ठीक है जी, उस टिल्ट भी है, टेलीस्कोपिक भी है, ये दोनों चीज़ें आपको इसमें मिल जाएंगी। टिल्ट भी आ गया, टेलीस्कोपिक भी आ गया, चेक कीजिए टेलीस्कोपिक दोनों आ गया। बाकी लाइट्स के सारे बटन्स आ गए, ये वाइपर्स के बटन आ गए, लाइट के बटन आ गए, उसके अलावा एसी वेंट आ गया, स्पीड सेट करने का, ऑटो का, ऑफ एंड ऑन का। अब बाहर जाके चेक करें तो सीट्स आपको चेक करा रहा था मैं, सीट्स इसकी चेक करें होंगे, बकेट टाइप सीट्स हैं, बट इसमें आपको ऑप्शंस आ गए हाइट एडजस्टेबल करने का, ये मैनुअल है हाइट एडजस्टेबल करने का, पीछे आगे करने के लिए, उसके अलावा एक छोटे यूटिलिटी स्पेस क्वाइन रखने के लिए आपको। उसके अलावा हम फिर बिल्कुल बैक साइड चलते हैं, कार के बिल्कुल बैक में जाएंगे। सबसे पहले चेक कीजिएगा एस का बैच, सुजुकी का बैच आ गया, वाइपर आ गया, रियर डिफॉगर आ गए, हाई माउंट स्टॉप लैंप आ गया, काफ़ी ज़्यादा अच्छा विजिबल है, एंटीना भी आप चेक कर रहे होंगे, ठीक है जी। एस क्रॉस की बैचिंग आ गई क्रोम कलर की, ये सेम कॉम्बिनेशन रियल कॉम्बिनेशन लाइट्स हैं। बूट ओपन करेंगे, बूट चेक कीजिए, 430 लीटर्स की, काफ़ी ह्यूज बूट स्पेस है। अगर एक एस्कॉस में ये फ़ायदा, अगर आप एस्कॉस वेरिएंट लेते हैं ना, अगर आप सिंगल ऑक्यूपाइंट है, ठीक है, अगर आपको स्टिपनी निकालनी पड़ जाए, ये लॉक हो जाता है यहाँ पे, सिंगल स्टिपनी निकाली, यूज़ करी, क्लोज कर दिया, ठीक है जी। यूटिलिटी स्पेस यहाँ आ गया, जैक जुक रखने के लिए, नॉर्मल छोटी मोटी चीज़ें रखनी है रख सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे भी चार्जिंग सॉकेट आ जाएगा विद फ्लैश, ठीक है जी। ये ट्रे है जो यहाँ से भी एडजस्टेबल है, जो हम रियर पार्सल ट्रे कह देते हैं, यहाँ से भी आप ओपन कर सकते हैं, अंदर से भी कर सकते हैं, दोनों साइडों से हैं। जो सीट्स हैं वो 60-40 स्प्लिट्स हैं, फोल्ड करके भी चेक करवा देता हूँ, अगर आपने चेक करनी है तो 60-40 स्प्लिट्स हैं, फोल्ड होके भी यूज़ हो जाएंगे, चेक कीजिए 60-40 स्प्लिट्स भी होगी। इसके अलावा चेक करें रियर स्पेस, रियर स्पेस काफ़ी कंफर्टेबल है, मैं बैठूँगा 6 फीट हूँ, रियर सीट काफ़ी अच्छी है, आर्मरेस्ट भी है विद कप होल्डर्स, ये सीट मैंने फोल्ड की थी अभी, ओके कर दी। रियर सीट्स देखिए, ठीक है जी, ये कप होल्डर्स भी हैं, अगर कप होल्डर्स वाली आर्मरेस्ट हटा देंगे 3 लोग और कंफर्टेबली बैठ जाएंगे। हेडरूम काफ़ी कंफर्टेबल मिलेगा इसमें, आप चेक कीजिए, मैं हेडरूम में, हेडरूम काफ़ी कंफर्टेबल है, मैं बहुत इजीली बैठा हूँ। उसके अलावा जो आपको यूटिलिटी स्पेस यहाँ पे मिलता है, बॉटल्स मिल जाएंगी, ठीक है, बॉटल होल्डर्स मिल जाएंगे, सेम ग्रिपिंग अच्छी मिल जाएगी, सेम क्रोम फिनिशिंग यहाँ पे डोर पे भी दी है, फैब्रिक दी है, सिटिंग स्पेस कंफर्टेबल है। इसका जो हेडरेस्ट है वो रिमूवेबल है, दोनों ही रियर और फ्रंट दोनों ही, ठीक है जी। सीट है और रिक्लाइन भी हो जाती है थोड़ी थोड़ी सी, नॉर्मल लेवल पे रिक्लाइन भी बैकवर्ड्स हो जाएगी। उसके अलावा हम अगर जाएंगे, ये रियर में भी ऐसे दिखेगी गाड़ी 180 के ग्राउंड क्लियरेंस के साथ। उसके अलावा जो इसमें इंजन आएगा, 1.5 लीटर इंजन है, जो मारुति की तरफ से अगर कंपेयर किया जाता तो 1464 cc के करीब, 1462 cc के करीब आपको कहते हैं। उसके अलावा इसमें 77 किलोवाट्स की पावर है, 130 की टॉर्क है, 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन है और 4-speed AT है। जो AT है वो टॉक कन्वर्टर है, उसकी वीडियो मैंने आपको बनाई थी। लेंथ में चेक करेंगे तो 4300 mm की लेंथ है, 1785 mm की विड्थ है, उसके अलावा 1595 की विड्थ है, ठीक है। 5.5 इसका रेडियस है, अगर आपने टर्न करना है, रेडियस काफ़ी अच्छा है, और जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी है 48 लीटर्स की है, तो काफ़ी अच्छी है देखने में। व्हील, जो व्हील बेस भी है, इसका व्हील बेस भी काफ़ी अच्छा, 2800 का व्हील बेस है, ठीक है। आप आगे से गाड़ी देखिए, चेक कीजिए, सुंदर, काफ़ी अच्छी गाड़ी है। इस रेंज की गाड़ियों में, एक मारुति की कारों में आपने देखा होगा ना, हैवी बहुत है, और उसके अलावा स्मार्ट हाइब्रिड है। अगर मैं इसका डोर ओपन करता हूँ ना, वेट वाइज देखिए, वेट वाइज साउंड आप चेक करेंगे, बंद करूँगा तब साउंड चेक कीजिएगा। इसकी जो खुद की जो बिल्ड क्वालिटी है काफ़ी अच्छी है, और उसके अलावा ये 4 disc brake वाली कार है। इस रेंज में कोई भी मारुति 4 disc brake वाली कार नहीं देती,
ये आ गई, उसके अलावा रियर में चेक कीजिए, दैट इज़ दी फोर डिस्क ब्रेक कार। कंफर्ट लेवल आपको ब्रेकिंग का इसका एसी से पता चल जाएगा कि फोर डिस्क ब्रेक वाली कार है। उसके अलावा अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक माई चैनल, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स, बहुत बहुत शुक्रिया।